भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके अनुसार इस बार के मतदान में आईडी प्रूफ के रूप में जो पहले वोटर स्लिप होती थी, अब वह मान्य नहीं है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस जिला उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने जनता से अपील करते हुए बताया कि अब आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, पासबुक जिसमें फोटो लगा होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या राज्य या स्टेट जहां भी आप नौकरी करते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड को ही आईडी के रूप में मान्य किया जाएगा। तो आप सब देख लें इनमें से कोई कार्ड है या नहीं, और वोटर आईडी कार्ड जो आपने रखा है उसको लेकर आप 3 मार्च को होने वाले मतदान में आप लेकर आ सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस जिला उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर बोल रहा हूँ। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, उस प्रेस नोट में ये प्रेस नोट जारी किया गया है जिस दिन अभी निर्वाचन अनाउंस किया गया है, उस प्रेस नोट में ही ये दिया हुआ है कि अब की बार के मतदान में आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज आप लेके जा सकेंगे। पहली बात तो ये स्पष्ट की जा रही है कि पहले जो वोटर स्लिप होती थी वो अब आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में मान्य नहीं है। मैं इसको दोहरा रहा हूं, पहले जो वोटर स्लिप होती थी वो आइडेंटिफिकेशन के रूप में मान्य नहीं है। अब आपका इपिक, आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, पासबुक बैंक या पोस्ट ऑफिस की जिसमें फोटोग्राफ लगा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप सभी जानते हैं स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट जिसमें फोटोग्राफ लगा हो, या राज्य सरकार में जहां आप नौकरी करते हो राज्य या स्टेट में या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, उनका आई कार्ड, या माननीय जो सांसद जी, विधायक जी या विधान परिषद सदस्य महोदय हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड। तो यही सब आइडेंटिटी कार्ड के रूप में प्रयोग किया जाएगा। हमारा अनुरोध है कि आप एक बार ये देख लें कि आपके पास इनमें से कोई कार्ड है या नहीं है, और वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो आपके पास कहीं रखा हो उसको निकाल करके बाहर रख लें, जिससे आगामी जब हमारे जनपद में 3 मार्च को मतदान होगा तो आप इसको लेके जा सके। धन्यवाद।